So hello everyone, welcome to the channel again. और आज IMPL टायर्स पे हम तो यहाँ पे वर्ना के अंदर टायर दिलवाने थे। पहले से काफ़ी टाइम से चल रहा था। कैमरा मैन अपने चौधरी साहब हैं एडिटर, तो इनको अपनी गाड़ी में टायर दिलवाने थे तो यहाँ आए थे। देखो काफ़ी सारे इनके पास। तो जो अपनी क्या क्या बात होगी, अपनी टायर्स अपन डला रहे हैं योकोहामा के, ठीक है। ब्रिजस्टोन और योकोहामा ऑप्शन थी। अभी डालते हुए तो आप देख लोगे कि कौन से फाइनलाइज किए हैं। अभी तो फिर भी प्रोसेस के अंदर है कि कौन से डाल रहे हैं। और साथ के साथ बस यही, और स्टेपनी रिवर्स हो गई अपनी, स्टेपनी रिवर्स करा लिया, उसके बीच में होगा बाकी देखते हैं। बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को, अब देखते हैं आगे कैसे डाल करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप अपना होगा वो है कि अपन कार के जो पुराने टायर्स हैं उनको खोल रहे हैं। यहाँ पे स्टेपनी निकाल के पहले ही रख लिया। स्टेपनी जैसे कि बता रहे थे कि रिवर्स में जाने का, देख रहे हैं कि स्टेपनी को वापस कर देंगे और पुराने टायर्स कार के निकाल रहे हैं। अब आप देखोगे कि स्टेपनी की कंडीशन बड़ी अच्छी है, पर फिर भी उसको कर रहे हैं। उसका रीज़न आपको मैं भी बताऊँगा। अभी देख सकते हैं कि चारों टायर यहाँ निकाल रहे हैं। ये कंडीशन काफ़ी, कुछ टायर्स की थोड़ी बहुत सही है, कुछ की ख़राब है। अब ये चक्कर है। अब अगर टाइम टू टाइम अलाइनमेंट नहीं हो रही होगी कार की, और टाइम टू टाइम अगर आप उसको व्हील रोटेशन वगैरह नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम आती है। अब जो राइट साइड का टायर है इसको स्टेपनी डालेंगे और बाकी टायर्स को अपन वापस कर देंगे। देखिए ये दोनों भी काफ़ी टायर्स ख़राब हो चुके हैं, तो इनको भी हम निकलवा ही देंगे। अब ये जो प्रोसेस है ये टायर निकालने का और रिम में दूसरा टायर फिट करने का है। एयर ऑपरेटेड मशीन होती है, बड़ी सिंपली वर्क करती है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कैसे वो मशीन टायर को प्रेस कर रही है रिम के अगेंस्ट, जिससे कि टायर रिम से अलग हो जाए। एक बार जब टायर सेपरेट हो जाता है रिम से, उसके बाद ये मशीन को फंसा के इसमें टायर को उठाते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, और ये घूमेगी और टायर एक साइड से बाहर आ जाएगा। ऐसा यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे नीचे की साइड के लिए, और टायर अपना पूरा बाहर आ जाता है। हम देख सकते हैं कि ऐसे करके टायर पूरा बाहर आ गया। और इसी वे में उल्टा करके जैसे रिवर्स प्रोसेस होता है, जिसमें टायर वापस फिट करते हैं। फिट करने से पहले आप देख सकते हैं कि ये सोपी वाटर का सोल्यूशन लगा रहे हैं। ये सब लगाए जाते हैं जिससे कि कहीं पे भी रबर पीछे ना रह जाए रिम से, और टाइटली सील हो और एयर टाइट सील हो। और सेकेंडली सोपी वाटर से ये भी पता चल जाता है कि कोई लीक है या नहीं। अच्छा, अब आप पहले एक चीज़ सोच रहे होंगे कि जब ऑलरेडी स्टेपनी की कंडीशन इतनी अच्छी है तो स्टेपनी को वापस क्यों कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि स्टेपनी को बहुत टाइम हो चुका है। स्टेपनी मोर देन 4 ईयर्स पुरानी है, तो अगर स्टेपनी को चेंज नहीं कराएंगे तो स्टेपनी पड़ी पड़ी ही ख़राब हो जाएगी। तो इस रीज़न से स्टेपनी को निकाल रहे हैं और पुराना टायर ही स्टेपनी की जगह डाल रहे हैं। तो ये योकोहामा के टायर्स चूज़ किए हैं इसके लिए। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये व्हील बैलेंसिंग का हो रहा है। इसमें देख सकते हैं मशीन में कि वो पहले टायर के दोनों साइड की मार्किंग्स लेती है, फिर ये घुमा के चेक करती है कि रिम कहाँ पे लाइट है। तो उसको बैलेंस करने के लिए फिर ये बताएगी कि कितने ग्राम वेट किस जगह लगाना है। तो ये जब भी आप अलाइनमेंट कराते हैं कार के, या आप टायर चेंज कराते हैं या अलॉयस लगाते हैं, तो एक मैंडेट प्रोसेस होता है। अभी देखिए वो बता रही है कि आपको 30 ग्राम वेट डालना है, तो फिर ये उसको आगे पीछे करके वो सेंटर पोजीशन बताएगी, वहाँ पे 30 ग्राम का वेट ये लगा देंगे। ये देखिए ये इन्हें स्टिकर हटा के लगा दिया। तो इस तरीके से कुछ होती है व्हील की बैलेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, नहीं तो कार बबलिंग कर सकती है आपकी। तो ये अपने टायर्स यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि जब मैं कर ही रहा हूँ पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया था उसके साथ ऑडियो क्यों नहीं रिकॉर्ड की। ऑडियो रिकॉर्ड मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसी टाइम नहीं कर पाया, वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मेरे को लिटरली चिल्ला के रिकॉर्ड करना पड़ता जो कि सेंसेबल नहीं होता और आप लोगों को भी अच्छे से समझ नहीं आता। बस सिंपली टायर्स को टाइट कर दिया जाएगा आप व्हीकल पर। हाँ, तो फिर प्रदीप को थोड़ा सा काम था तो वो निकल गया अभी, और आपने देखा कि जो भी काम हुआ वो मैंने आपको सारा दिखा दिया किस तरीके से सारी चीजें हुई हैं। तो बेसिकली जो टायर जलवाए योकोहामा के टायर जलवाए, और जो टायर साइज था वो फैक्ट्री का जो टायर साइज आया था 195 55R16 वो ही अपने टायर साइज रखा कार में। और योकोहामा के साथ गए, बिस्टोन या योकोहामा में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रखा था, पर ये फाइनली फिर योकोहामा ही फाइनल किया। एंड जो स्टेपनी थी वो बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन में थी, तो स्टेपनी अपन ने रिवर्स में दे दी, मतलब कि स्टेपनी दे दी उनको, मतलब उसमें से पैसे कम हो गए, जब 4000 रुपीज कम हो गए थे स्टेपनी के। एंड जो फोर टायर्स जो चेंज हुए थे उसमें जो भी एक बेस्ट कंडीशन का टायर था उसको स्टेपनी में डाल दिया, आपने देखा था एक पुराना टायर जो कि स्टेपनी के अंदर फिट कर दिया। तो कुल मिलाकर जो बिल बना है वो 23,000 समथिंग का बिल बना है, जिसके अंदर टायर्स डले 4, फिर 4000 रुपीज माइनस हुए, और जो वेट्स डले अलाइनमेंट के टाइम वो पैसे उसमें ऐड हुए। और जो प्रोसेस होते हैं वो आपने सारे प्रोसेस देख लिए कि सबसे पहले टायर्स को ओपन किया, फिर उसमें नए टायर लगाए, फिर टायर में हवा भरी, हवा भर के व्हील को बैलेंस किया जो घूम रहा था, जिसमें वेट्स ऐड करते हैं टायर को बैलेंस करने के लिए, फिर उनको फिट किया कार पे, और फिर कार की अलाइनमेंट की या और बैलेंसिंग की व्हील्स की। तो कुल मिला के ये टोटल प्रोसेस होता है एक टायर्स को चेंज करवाने का आपके व्हीकल में। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। अगर प्रदीप चला गया नहीं होता तो उसके साथ ही वीडियो को एंड करवाता। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।